नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। कुछ ही महीने पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद स्मारक भवन में पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा जी की प्रतिमा का अनावरण किया था और कहा था कि ये उनका सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष जिनका नाम बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए रायपुर में जाना जाता है, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का उन्हें मौका मिला। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें फक्र है कि हम ऐसे महापुरुषों की नगरी से हैं और अब उसी नगरी के नगर निगम के जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी उनकी जयंती मनाने का नोटिस जारी करने के बाद कार्यक्रम आयोजित करना ही भूल जाते हैं। अब इसे नगर निगम अधिकारियों का गैर जिम्मेदारा रवैया कहें या फिर साजिश, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे हमारी खास पेशकश भूल या फिर लापरवाही। भूल या फिर साजिश मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। नगर निगम के जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी कितने गैर जिम्मेदार हैं, इसका नजारा राजधानी रायपुर के शहीद भवन में देखने को मिला। दरअसल नगर निगम ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा की जयंती मनाने का नोटिस जारी करने के बाद कार्यक्रम आयोजित करना ही भूल गया। निगम प्रशासन की लापरवाही के विरोध में निगम के सभापति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पर्षद उनकी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन और अन्य लोगों ने निगम प्रशासन के साथ राज्य सरकार को जमकर कोसा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन जयंती समारोह में शामिल होने के लिए शहीद स्मारक भवन पहुंचे तो स्थल पर कोई भी नजर नहीं आया। इस तरह उपेक्षा से नाराज परिजनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए शहीद का इसे अपमान बताया। बता दें कि जयंती मनाने का निर्णय MIC की बैठक में तय किया गया था। रायपुर से सत्या राजपूत की रिपोर्ट। और आपको बता दें कि महापुरुषों और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार ये कहती आई है कि वो अपनी संस्कृति और महापुरुषों को कभी नहीं भूलेगी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए ये बड़ी लापरवाही नगर निगम की देखने को मिली, उनके अधिकारियों की देखने को मिली कि इसके बाद भी जब नोटिस जारी कर दिया गया उसके बावजूद भी कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ और नोटिस देने के बाद जो यहां पर मौजूद थे जो लोग उसके बाद उस दिन पहुंच भी गए, उनके उनमें परिजन भी शामिल थे, लेकिन वहां पर कोई भी नगर निगम का अधिकारी मौजूद ही नहीं मिला। इससे बड़ी लापरवाही कहें, लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान में लोग ये भी कह रहे हैं कि इसे एक साजिश है, ये एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत ही यहां पर आयोजन नहीं किया गया। आपको बता दें कि जब इसका लोकार्पण किया गया था इस प्रतिमा का, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनके अनावरण करने के लिए इस प्रतिमा पर पहुंचे थे तो उन्होंने काफी तारीफ की थी और कहा था कि ऐसे महापुरुष धरती पर बहुत कम ही जन्म लेते हैं और हम धन्य के हैं कि हम उसी नगरी से हैं जहां से ये महापुरुष थे। उसके बावजूद भी आज इन्हीं महापुरुष की जयंती पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए था वो कार्यक्रम आयोजित नहीं किया, जिससे उनके परिजन तो नाराज हैं ही, साथ ही साथ लोगों में भी आक्रोश है और साथ ही साथ सभापति भी यहां पर धरने पर बैठ गए और सीधा सीधा उन्होंने इसे नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही या विश्व साजिश करार दिया है कि ये जानबूझकर इस तरह का जो कार्यक्रम है आयोजित होना था वो आयोजित नहीं किया गया, बल्कि MIC की बैठक में इस पर सहमति बनी थी।
और आपको बता दें कि अब इस लापरवाही का जवाब जो अधिकारी हैं वो देने से कतरा रहे हैं। अभी तक स्पष्ट जवाब निकल कर नहीं आया है अधिकारियों की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, कि आखिर क्या वजह रही जब ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, इसके पीछे की आखिर वजह क्या थी। और आपको बता दें कि रायपुर नगर निगम की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्योंकि कई आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और देश को बनाने में, देश को संवारने में जिनका सहयोग रहा, आज उन्हीं को नगर निगम अधिकारियों ने दरकिनार कर दिया। उनकी जयंती जो मनाई जाती रही है हर वर्ष, आज इस बार उनकी जयंती पर कार्यक्रम का नोटिस जारी होने के बावजूद भी वो कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली। और अब इसके बाद उनके परिजनों ने और लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है, धरने पर बैठ गए हैं, सभापति भी धरने पर बैठे हैं। और आपको बता दें कि नोटिस जारी करने के बाद भी यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ, एक बड़ी लापरवाही नगर निगम की तरफ से, आखिर इसका जिम्मेदार कौन। साथ ही साथ जिस तरह से महापौर कांग्रेस के हैं नगर निगम में, तो इस तरह से अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। क्या ये जानबूझकर किया गया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहा है कि जो बीजेपी के अधिकारी होते हैं अक्सर कार्यक्रमों में जो भी नाम छपता है वो नाम भी नहीं छपता है कार्डों पर, या फिर कोई भी यहाँ पर इवेंट होता है उसमें अक्सर बीजेपी के जो नेता होते हैं उनके नामों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो क्या ये उसी का एक परिणाम है कि यहाँ पर जानबूझकर नगर निगम के द्वारा ये नोटिस जारी करने के बावजूद भी जो कार्यक्रम है वो आयोजित नहीं किया गया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में जुड़ गए हैं प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, सभापति नगर निगम, और साथ ही साथ राधे श्याम जी हैं विभर, जो संस्कृति विभाग नगर निगम से हैं, और साथ ही साथ रघुवंशी तिवारी जी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी हैं। आप तीन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जिस तरीके से, चूंकि जिम्मेदार नगर निगम ही है, नगर निगम के अधिकारी हैं, राधे श्याम जी आप पर आना चाहूंगा, आखिर क्या वजह रही कि नोटिस जारी होने के बाद भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। नगर निगम है, कोई प्राइमरी स्कूल है कि जयंती पर कार्यक्रम आयोजित होना था तो बच्चे नहीं आए तो चलो ठीक है, या फिर कोई और समस्या हुई तो चलो प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। क्या लापरवाही, किसकी लापरवाही कहेंगे इसे? निश्चित तौर से आज जो कार्यक्रम था कमल नारायण शर्मा जी के जन्मदिन के अवसर पे, और जो नोटिस उनको जारी की गई थी उसके बाद भी अगर अधिकारी नहीं आए तो ये मैं इनको मानता हूँ कि मानव त्रुटि है, क्योंकि कमल नारायण शर्मा जी एक छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रखर वक्ता थे और प्रखर नेता थे, और उसके साथ साथ में कमल नारायण शर्मा जी जात पात हर चीजों से ऊपर उठ के लोगों की सेवा करते थे, उनके समानता विचारधारा के नेता थे, हम उनको नमन करते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे नेता बहुत कम होते हैं, और कुछ ही दिन पूर्व में माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया, उन्होंने उनका लोकार्पण किया था। और इसमें जो भी लापरवाही हुई है इसमें वो जिम्मेदार अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं उनने चूक की है। जिम्मेदार अधिकारी कौन है सर? हेमंत शर्मा जी नाम का जो अधिकारी है, वो अधिकारी जो है उनकी जवाबदारी थी कि वो वहां पे मौजूद रह के सारे जो हमारे नगर निगम के चीफ हैं प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी हैं, मेयर साहब हैं, और मैं कल्चर डिपार्टमेंट देखता हूँ, मुझे भी जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने रघुवंश तिवारी जी को, मैंने उनको पहले कह दिया था कि मैं दशहरे में एक महीने से व्यस्त हूँ और मैं चूंकि नहीं आ पाऊंगा, आप उसमें सारे लोगों को एक करके अधिकारियों को कह दिया गया है, आप वहां पहुंच जाएंगे तो सारी सब मिलके काम अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत मेरे मतलब बहुत ही अच्छे पारिवारिक संबंध भी है उनसे, क्योंकि ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से हो जाए। उसके साथ साथ में अगर जो भी गलतियां इनसे हुई है अधिकारियों से वो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से सभापति हैं आप नगर निगम के, तो प्रफुल्ल जी ये लापरवाही नगर निगम के अधिकारियों की है, कहा ये भी जा रहा है कि लापरवाही नहीं ये साजिश यानी कि षड्यंत्र भी है, तो आप इसे कैसे देखते हैं, लापरवाही कहेंगे या फिर साजिश कहेंगे?
देखिए कमल नारायण शर्मा जी का एक ऐसा नाम जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अनेक प्रताड़नाएं सही हैं, उनको जेल भी भेजा गया है और प्रखर स्पष्टवादी व्यक्ति थे, वो हमेशा अडिग रहते थे, ना तो कोई उनको झुका सकता था ना कोई उनको हटा सकता था। ऐसे कमल नारायण शर्मा जी की जयंती थी और जयंती के अवसर पर नोटिफिकेशन होने के बावजूद नगर निगम में जिनकी सरकारें हैं कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे महापौर कांग्रेस के हैं, किसी का न आना, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ करके इस कार्यक्रम को एक साजिश के तहत एक रचना के तहत कैसे इसको खत्म किया जाए और कमल नारायण शर्मा जी का जो नाम न केवल प्रदेश में है बल्कि देश में भी है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जिन अधिकारियों ने भी इस तरह की लापरवाही की है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का ये अपमान रायपुर शहर की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये माफ करने के योग्य नहीं है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत उनको अपमानित करने के लिए किया गया ऐसा मुझे लगता है। अगर वो चाहते नगर निगम के अधिकारी नगर निगम के मेयर तो हम लोगों ने 3 घंटा वहां पर बैठ करके वहां पे पश्चाताप किए, वो लोग आते, महापौर जी आते, आयुक्त महोदय आते और सारे लोगों की उपस्थिति में उनको नमन किया जाता, उनको पुष्पांजलि किया जाता और उनको जन्म तिथि पे उनके व्याख्यान होते, तो मुझे ऐसा लगता कि महापुरुषों जी का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान नगर निगम नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा राधे श्याम शर्मा जी को जो निर्णय नगर निगम में मेयर इन काउंसिल में सामान्य सभा में इस तरह से निर्णय लेकर को उसको अपमान किया जाता है वो कभी अपमानित ना करे। हमारे साथ रघुवंश तिवारी जी बैठे हैं, ऐसे शहर के अनेक लोग हैं, उनके उत्तराधिकारी लोग हैं जिनको मैं कहूंगा कि वो आगे आए और आगे आकर के ऐसे महापुरुष की जीवनी को हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी बताए ताकि उससे हम प्रेरणा ले, उनके पथों पे चले और देश किस प्रकार से आजाद हुआ उस देश को आजादी को अक्षुण बनाए रखने में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मेरे शहीदों ने जो काम किया है, जो पसीना और खून बहाया है, उसको हम लोग स्मरण करें, हम आने वाली पीढ़ी को भी बता सके कि देश हमको आजादी यूं ही नहीं मिली है। बिल्कुल रघुवंश जी तिवारी जी, महापुरुष महापुरुष होता है कोई भी हो, क्या अगर इस जगह गांधी जयंती होती तो क्या कांग्रेस नगर निगम के जो मेयर हैं या बाकी जो अधिकारी हैं इसी तरह से लापरवाही दिखाते, और अगर दिखाते भी तो उसके बावजूद भी जब वहां पर लोग बैठे रहे उसके बाद भी नहीं आते, क्या सिर्फ इसमें एक व्यक्ति की लापरवाही है या तवज्जो नहीं दी गई, साफ साफ दिख रहा है। पहले मैं बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय श्री कमल नारायण शर्मा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और प्रखर समाजवादी थे। आज उनकी जयंती थी, जयंती मनाने के लिए हम लोग एकत्रित भी हुए, शहीद स्मारक भवन में आज उनकी जयंती का आयोजन नगर निगम रायपुर द्वारा प्रथम बार किया जाता था और इस आशय का पत्र भी जारी किया गया है सभापति जी को और अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों को जारी किया गया था। मुझे तो कोई सूचना नहीं थी सिवाय राधे श्याम विभाग जी जो संस्कृति विभाग के अध्यक्ष हैं नगर निगम रायपुर में, उनने 3 या 4 दिन पहले मुझे फ़ोन किया था, उस फ़ोन को मैं अटेंड नहीं कर पाया था, मेरी धर्मपत्नी ने अटेंड किया था, उनने मुझे मैसेज दे दिया कि विभाग जी का ऐसा फ़ोन आया है कि 9 तारीख को 9 अक्टूबर को शहीद स्मारक भवन में कमल नारायण शर्मा जी की जयंती का आयोजन होना है नगर निगम द्वारा, तो आप उसमें रहेंगे, आप आमंत्रित हैं। ये विभाग जी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे उसमें आमंत्रित किया। आज सुबह मैं स्थिति को स्पष्ट करने के लिए विभाग जी को फ़ोन किया सुबह 9 बजे करीब, तो विभाग जी ने यही कहा कि भाई आयोजन है और आपको संभालना है, चूँकि वे पिछले 1 महीने से WRS कॉलोनी में जो दशहरा का पर्व है उसके आयोजन में लगे हुए थे अथक रूप से और बहुत ही टायर्ड हो गए थे, बहुत ही थकावट महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कह दिया कि मुझे संभालना है। मैं शहीद स्मारक भवन गया, करीब करीब 10 बजे में पहुंच गया, मुझे नीचे जो एक कार्यालय मिला है मैं उसको पहले शटर वटर खोलवा के उसको करके मैं ऊपर जाने के ही उद्यत था, उतने में ही केयर टेकर लक्ष्मण यादव का फोन आ गया कि तिथि आज है कि 19 तारीख को है। मैं कहा भाई इस बात को तो मुझे देखना पड़ेगा,
एक किताब छपी है उनके नाम से, उनकी सुपुत्री सविता पाठक जी ने छपवाई है, लेखिका है वो, उसने 9 तारीख का तिथि दिया हुआ 9 अक्टूबर का, तो इसके हिसाब से आज होना चाहिए। और भी लोगों से मैंने अपने सूत्रों से पता किया, आज की ही बात हुई और आज है। लेकिन कमल नारायण शर्मा जी का जैसा एक मूर्ति वहाँ लगा हुआ है, उसमें जो उनकी शिला पट्टिका है उसमें ये लिखा हुआ है 1910 यानी 19 अक्टूबर को तिथि लिखा हुआ है, वो शायद टूटी वश वो वहाँ अंकित हो गया है ऐसा मुझे लगता है, और इस वजह से सारे लोग भ्रमित हो गए। लेकिन इनका विश्वकर्मा जी सभापति जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो ठीक 10:30 बजे वहाँ पहुँच चुके थे और उनने देखा कि कोई भी ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ नहीं है, ना निगम की ओर से है, ना हमारे संगठन की ओर से है, ना सेनानी संगठन की ओर से है। तो इसका भी मुझे बड़ा दुख हुआ और बहुत क्षोभ भी है कि हम सबको एकत्रित होना था, संगठन के लोगों को एकत्रित होना था, उनको तिथि के शायद ज्ञात है मैं ऐसा समझता हूँ। चूंकि मेरी व्यस्तता, एक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूँ मैं, इसलिए मैं रायपुर में कम रह पाता हूँ, तो सप्ताह के उत्तरार्ध के दिनों में मैं रहता हूँ यहाँ, तो मैंने भी लोगों को कन्वे नहीं कर पाया। लेकिन मुझे जैसे ही विभाग जी से बात हुई सुबह, तो मैं समय पर पहुँच गया था, 10 बजे मैं शहीद स्मारक भवन पहुँच चुका था। ठीक है रघुवंश जी, जब मैं गया बाकी तो लोग शामिल नहीं हुए, विश्वकर्मा जी सभापति जी, लेकिन यहाँ पर निगम के अधिकारी और महापौर ये शामिल नहीं हुए। नोटिस देने के बाद भी, MIC की बैठक में निर्णय लेने के बाद भी, तो ऐसा बता जी हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले कहा सुनूंगा कमल नारायण शर्मा जी की जयंती का निगम के द्वारा, हम लोग तो करते रहे हैं हमेशा से, करते भी हैं। 2 अक्टूबर का भी कार्यक्रम शहीद स्मारक भवन किए हैं, बिना लाग लपेट बिना मीडिया को सूचित किए, हम अपना कर्तव्य समझते हैं, हम करते हैं वो सब चीजों को। और पहले पुण्यतिथि का और जन्मतिथि का भी हम लोग आयोजन करते रहे हैं और करते रहते हैं। तो निगम के अधिकारियों का तो कहना यह है कि प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी जब बैठ गए तो शायद उनको खबर लगी हुई, तब वो आए हैं, उसके पहले कोई आए होंगे तो मुझे मालूम नहीं उसके बारे में। अधिकारी तो कोई भी नहीं आए थे, जिम्मेदार अधिकारी इतना लगा मुझे। बाद में चंदन शर्मा जी जोन कमिश्नर हैं, वो करीब 11:30 बजे करीब पहुंचे हैं, वो 11:30 बजे फिर जो चला है। उसके बाद 3 घंटे का उपवास में बैठ गए थे हमारे विश्वकर्मा जी, मैं भी उनको साथ देने के लिए बैठ गया था क्योंकि दुखी तो हम है ही हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उपेक्षा तो हमेशा से होती रही है, आज की बात नहीं है ये, हमेशा से होती रही। कितने स्वतंतंत्रता संग्राम सेनानी जो मूर्धन्य ऑल इंडिया के जो हुए थे, शीलभद्र याजी जी, गांधी जी के 25वीं जन्मवर्ष समारोह का मैंने आयोजन शहीद स्मारक भवन किया था, वो दिल्ली से आए हुए थे। उस समय भी उनको एयरपोर्ट में लेने के लिए कोई प्रोटोकॉल अधिकारी नहीं था, उनके साथ KC पंत साहब थे, उनको लेने के लिए कोई नहीं था। 7 डिग्नेटरी 7 महापुरुष जो हमारे दिल्ली से आए थे, उनको स्वागत करने के लिए शासन की ओर से कभी भी नहीं रहा। वो इतना बड़ा आयोजन था 125वीं जन्मवर्ष समारोह, जो आज भी रायपुर में याद किया जाता है उस समय जो कार्यक्रम है। तो कहने का अर्थ है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लोग सिर्फ साल और श्रीफल तक ही सीमित रखे हैं, उससे आगे कोई भी बात इन लोगों ने नहीं किया। और दूसरी बात यह है, इसमें किसी दलगत राजनीति को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि देश की व्यवस्था ही ऐसी अपनाई गई है कि अंग्रेजों ने जो स्थापित किया उसी को इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, उसी को इन लोगों ने शामिल कर लिया और उसी पद्धति पे ये चले जा रहे हैं, उसी सिस्टम पे ये इन्वॉल्व मतलब डूब गए हैं, बिल्कुल रम गए हैं, बस ऐसा लग रहा है उस पद्धति से भी आगे निकलते जा रहे हैं लोग। जो अभी हो रही है वो है जी, बिल्कुल आगे ही निकल रहे। ठीक आपने कहा, धन्यवाद आपको। बिल्कुल, तो ये है कि भवन स्वतंत्र संग्राम सेनानी जी जी रघुवंश जी बात पूरी कर दीजिए अपनी। मैं शहीद स्मारक भवन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाह रहा था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अथक और भागीरथी प्रयास से ये भवन मूर्त रूप लिया है। किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं रहा है शासन का, न किसी का कोई पैसा लगा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपस में अपना चंदा करके जो सम्मान निधि मिलता है वो उनने डोनेट करके इस भवन का निर्माण 1982 में जिला स्वतंत्रता सेनानी संघ को ये जमीन शासकीय नजूल जमीन है दी गई थी। और उस समय के जो राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के चंद्रमोहन जी पुनाचा,
वो आए थे, उनने शिलान्यास किया था इस कार्यक्रम को करने के, भवन के निर्माण के लिए। और उसके बाद जो दुर्गति हुई है, वहाँ मीना बाजार लगता था, वहाँ शराब की दुकानें लगती, शराब का तो मुख्य अड्डा था रजबंधा मैदान, फेमस था। उसको हटाने के लिए हम लोगों ने 62 दिन आंदोलन किया था, क्रमिक भूख हड़ताल किया था, तब जाके वो जमीन का आधिपत्य हमें प्राप्त हुआ। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग आपस में चंदा करके पैसा एकत्रित करके भवन के निर्माण शुरू किए, और आगे भवन किस रूप में मूर्त लोक रूप ले, इसकी भी एक खाका, एक कार्यक्रम उन्होंने तैयार कर लिया था। और ये सारा रिकॉर्ड जो है वो हाईकोर्ट में एक रिट याचिका है 898/1999 जो निराकृत की गई है 2014 में जस्टिस हमारे न्यायमूर्ति मनीन मोहन श्रीवास्तव द्वारा, उसमें सारे रिकॉर्ड जो प्रस्तुत किए गए हैं। और उसमें कमलनाथ शर्मा जी उस केस में इंटरवेनर थे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पेट्रोल पंप है बाजू में वो उसमें याचित है, और कलेक्टर रायपुर और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शासन उसमें वो थे रेस्पॉन्डेंट, और इंटरवेनर थे कमलनाथ शर्मा जी। इस दरमियान कमलनाथ शर्मा जी सिधार गए, ऊपर चले गए, स्वर्गवासी हो गए। तो उसके बाद इंटरवेंशन का था, मेरे पिताजी थे उस कमलनाथ शर्मा जी के पास अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रामाधार तिवारी जी, उनने इंटरवेंशन किया। उनके बाद फिर क्या हुआ कि पद्मश्री डॉक्टर महादेव प्रसाद जी पांडे अध्यक्ष हुए, उनको हमने निवेदन किया कि आप इंटरवेंशन कीजिए ताकि इस प्रकरण को अच्छे से लड़ा जा सके, हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। उसके बाद फिर मैं खुद इंटरवेंशन बना हूँ, और उसको 2014 में मैंने निराकृत किया है, 2018 में वो जगह 8,700 स्क्वायर फीट, लंबी कहानी है, एक लंबा संघर्ष से जुड़ा हुआ है, कहा जा सकता है। राजेश्वर जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब महापुरुषों की गिनती में नहीं आते हैं, या महापुरुषों ने समझा नहीं जा रहा है, क्या वजह है जिसकी वजह से जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो तवज्जो ही नहीं दे रहे, और लगातार जिस तरीके से देखा जाए उनका अपमान किया जा रहा है, और ये पहली दफा नहीं, इससे पहली दफा भी रघुवंश जी ने बताया है कि ये चलन में चल गया है, ट्रेंड में आ गया आजकल, कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो ने महापुरुषों की शायद गिनती में लिया नहीं जा रहा है, महापुरुष समझा ही नहीं जा रहा उन्हें। ऐसा नहीं है, ये तो एक भूलभाल एक चूक हुई है, लेकिन ऐसा मेरा मानना ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की कोई मतलब लापरवाही तो ऐसा नहीं है, कि क्योंकि हमारे सर एक अफसर इसमें थोड़ी ना हुआ, एक अधिकारी के भरोसे ये पूरा कार्यक्रम थोड़ी ना होगा, कई इसमें अधिकारी होंगे। कार्यक्रम जब संयोजित तरीके से हर वर्ष जयंती मनाई जाती है, तो इस वर्ष भी मनाई जा रही थी, वही मैंने पूछा कि इसका अगर गांधी जयंती होती तो क्या इतनी लापरवाही दिखाते, लेकिन सिर्फ एक ही अधिकारी गांधी जयंती मनाने का पूरा जिम्मा होता, जाहिर सी बात नहीं, किस संस्कृति और किस सभ्यता की बात करते हो आप? अधिकारी जो है, नहीं नहीं जिम्मेदार अधिकारी जो है, ये आपने कहा कि मतलब जिम्मेदार अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ, और जिम्मेदार अधिकारी जो है वो उसकी जवाबदारी है, अगर उन्हें लापरवाही की तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का जो कल्चर है, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि 6 साल पहले महापौर जी ने माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को चिट्ठी लिखा था इसके इनॉग्रेशन के लिए, और मैं आपको एक पत्र भी दिखा दूं सामने, और उसके बाद में इसी पत्र के लिए 2000 आपका 16 में, ठीक है, नहीं आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ गया, आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ गया कि बीजेपी ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, आप यही कहना चाह रहे हो ना कि बीजेपी नहीं आई थी या बीजेपी ने ये नहीं किया था, ये कहने का मतलब है आपका? प्रफुल्ल जी ने कहा था कि भाई ये इस प्रकार का कल्चर जो चल रहा है कांग्रेस के शासनकाल में, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति ऐसा नहीं है। और उसके बाद में हमारे महापौर ने डॉक्टर रमन सिंह जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, मैं सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि उनको पत्र भी दिया गया था 6 वर्ष पूर्व में कि शहीद स्मारक का अनावरण करना है करके कमल नारायण शर्मा जी का, लेकिन उसके बाद में तत्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को पत्र देने के बाद में तत्काल उन्होंने स्वीकार किया, कहा कि उन्होंने कि मैं बिल्कुल कमल नारायण शर्मा जी के अनावरण में बिल्कुल जाऊंगा, और उसको अनावरण भी किए, और उसके बड़े सम्मान के साथ में उनके परिवार के साथ मिले, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ मिले। हमारी संस्कृति ऐसा नहीं है, अगर कोई गलती किया है तो निश्चित तौर से उसको दंड मिलना चाहिए। और नगर निगम में मैं ऐसे जिम्मेदार पद में बैठा हूँ, और प्रफुल्ल जी जानते हैं, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कार्यक्रम हो चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी का कार्यक्रम हो, अगर पानी बरसता रहे चाहे कड़क धूप रहे चाहे कड़क ठंड रहे, मैंने हर कार्यक्रम को अटेंड किया है,
निश्चित तौर से मुझे कहने में कोई मतलब फक्र नहीं कि मैं कार्यक्रम में सम्मिलित होकर जिम्मेदार अधिकारी जो थे जिनकी वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाया, आप देख लेते हैं आखिर उन पर क्या कार्रवाई होती है। महापौर आपके हैं, समय बहुत कम है सभापति जी, दो शब्दों में खत्म करिएगा अपनी बात। और प्रफुल्ल जी को मालूम है कि मैं कितने, देखिए देखिए मैं तो आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा था, इन्होंने कांग्रेस भाजपा की बात कही है, मैं तो इतना ही कहता हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि इस तरह का हिम्मत और साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि किसी स्वतंत्र संग्राम सेनानी का यदि अपमान हो रहा है, उनका उपहास हो रहा है, तो ऐसे अधिकारियों को तत्काल उनको नोटिस के माध्यम से शोकास नोटिस दे और उनको निलंबित करे, ये साहस कांग्रेस के लोगों में नहीं है। जी वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो बोल रहे हैं, देखते हैं कि कितनी कार्रवाई होती है उन अधिकारियों पर, आखिर कितने अधिकारियों पर ये गाज गिरती है। देखिए राधेश्याम जी बोल रहे हैं आपका भी, और रघुवंश जी तिवारी जी आपका भी, और प्रफुल्ल जी आपका भी। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सेनानियों को दरकिनार किया जा रहा है, उनके महत्व को कम किया जा रहा है, और अब उनकी जयंती पर भी कई अधिकारी और अफसर नहीं पहुंचे, देखने वाली बात होगी कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और आखिर किस किस पर गाज गिरती है, कार्रवाई सरकार करती है या नहीं। फिलहाल पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।